वेलकम बैक गाइस, MongoDB के 6 ट्यूटोरियल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है, जैसे कि हम पिछली वीडियो से हमें क्रड ऑपरेशंस को देख रहे हैं, आज हम देखेंगे डिलीट ऑपरेशन को MongoDB के अंदर। अगर आपने हमारी MongoDB की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे बुकमार्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने डिलीट ऑपरेशन को। बेसिकली डिलीट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, हम दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट वन से और डिलीट मैनी से। अगर सिंगल रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट वन का यूज़ करते हैं, और मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट मैनी का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, db.collectionName.deleteOne एंड डिलीट मैनी फॉर फिल्टर एंड फिल्टर। फिल्टर क्या, तो हमारी कंडीशन जिस बेस में हमें डिलीट करना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे CMD के अंदर। हम अपना मोंगो को चला लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मोंगो। मैं अपने डेटाबेस भी आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है, अगर आप हमारे ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो हम यहाँ पे कंपनी नाम का डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। कंपनी नाम के अंदर के डेटाबेस करना चाहेंगे, जो शो यूज़ कंपनी। हम देखें DB कंपनी के अंदर हम आ चुके हैं। आपको पता है हमारी कलेक्शन भी है इसके अंदर एक, अगर आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल तो एम्प्लॉयज़ नाम की। मैं आपको उसके अंदर रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ, डॉट फाइंड PT से देख लेता हूँ मैं, डॉट PT। देखिए जी, कोड आ चुके हैं हमारे पास जी। बेसिकली नाम सेम इसलिए है क्योंकि मैंने हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसको अपडेट किया था। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम कर लेंगे। देन हम आज का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पहला क्या है। सबसे पहले, हाउ टू डिलीट वन डॉक्यूमेंट यूजिंग फिल्टर। हमें एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है यूजिंग फिल्टर को, तो चलिए हम इसको करते हैं। मैंने लिखा जैसे db.employees.deleteOne। इसका इसके अंदर क्या डालेंगे, अपना फिल्टर डालेंगे जिसकी बेस पे हमें डिलीट करना है। जैसे मैंने डिलीट करना है जतिन को, जिसका नेम जतिन है, हमने लिखा नेम जिसका क्या है जतिन। देखिए इसने क्या कह दिया, हम एक्नॉलेज ट्रू डिलीट काउंट वन, मतलब हमारा एक डिलीट हो चुका है। चेक करते हैं डिलीट हुआ या नहीं हुआ। देखिए हमारे पास XYZ वाले रह गए, जितना वाला डिलीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाउ टू डिलीट वन डॉक्यूमेंट विदाउट फिल्टर। एक डॉक्यूमेंट को हमें डिलीट करना है विदाउट फिल्टर। इसके लिए मैं आपको ये पहले अपडेट करते हैं, हमारी रिपोर्ट सेम है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं अपडेट की कमांड कर देता हूँ यहाँ पे, db.employees.update। हम इंसर्ट ही कर लेते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड को, लिखता हूँ इंसर्ट वन। दो रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर लेते हैं, आगे में हमें हेल्प हो जाएगी डिलीट करने के अंदर। मैं लिखूँ यहाँ पे, आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में हमें पता है आपको इंसर्ट नहीं करते, देख सकते हैं आपको नहीं पता कैसे करते हैं। इसको हम एरे के अंदर डालेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका नेम ABCD, और इसकी ईमेल भी दे देते हैं हम। abc@gmail.com, उसको फीस भी दे देते हैं, फीस मैंने कर दी इसके ट्रू। और एक रिकॉर्ड और कर लेते हैं, यहाँ पे नेम लिख देते हैं, कुछ भी संदीप लिख देते हैं, जैसे संदीप। उसकी ईमेल दे देते हैं, मैंने लिखा संदीप@gmail.com, और इसकी फीस दे देते हैं। इसकी फीस को हम कर देते हैं फॉल्स। हमारे पास एरर आ चुका है, चेक करते हैं क्यों आया। हमने कोमा लगा दिया, वहाँ पे डॉट आएगा कोमे की जगह, db.dot आएगा, db.dot कोमा लगा दिया मैंने यहाँ पे, डॉट। अभी भी एरर है हमारे पास, db.employees.insert many। मैंने नेम दिया, उसकी ईमेल दी एंड फीस दी, उसका फिर मैंने नेम दिया, ईमेल दी एंड फीस दी। हमारा एरर है, सिंटेक्स एरर है, मिसिंग आफ्टर प्रॉपर्टी ID। ये कह रहा हम मिसिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पे आईडी तो खुद क्रिएट करता है ये। एक मिनट में देखने दीजिए,
एबीएस ईमेल फीस नेम। ओके, मैंने ईमेल के बाद यहाँ पे कोलन लगाना भूल गया मैं। यहाँ पे कोलन आएगा एंड फीस। अब देखिए इसने दो रिपोर्ट हमारी इंसर्ट कर दी, हमें उसकी आईडी भी दे दी। चेक करते हैं इंसर्ट हुए या नहीं हुए हमारी रिपोर्ट। देखिए इसके अंदर हमारे दो एक्स वाई जेड वाले पहले वाले पुराने हैं ये दोनों, और जे ए बी एस और संदीप वाला नया आ गया। अब हमें क्या करना था, वहाँ पे डिलीट करना था एक रिकॉर्ड को विदाउट एनी फिल्टर। तो उसके लिए हम सिंपल हमारी वही कमांड लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, डी बी डॉट एम्प्लॉइज डॉट डिलीट वन। इसके अंदर हम कोई फिल्टर को पास नहीं करेंगे, इसमें खाली दे देंगे। ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे फर्स्ट रिकॉर्ड जो सबसे पहले इसको रिकॉर्ड मिलेगा उसको डिलीट कर देगा। मैं दिखाता हूँ आपको, एंटर मार के देखिए इसने क्या किया, एक्नॉलेज ट्रू कर दिया, डिलीट काउंट में बंद दे दिया। हमारे सबसे पहले वाले रिकॉर्ड उठ गया होगा, तीनों रिकॉर्ड बचे होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको फाइंड करके भी, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड पहले वाला रह गया, उसके ऊपर वाला उठ गया और तीन रिकॉर्ड हमारे बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ टू डिलीट मल्टीपल डॉक्यूमेंट। मल्टीपल डॉक्यूमेंट को डिलीट करना कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। डी बी डॉट एम्प्लॉइज डॉट डिलीट मैनी, मैंने क्या किया, डिलीट मैनी कर दो। फिल्टर क्या होगा हमारा, जहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फीस ट्रू है, वहाँ वहाँ पे डिलीट कर दूँ। अब फीस ट्रू कहाँ कहाँ पे, एक एक्स वाई जेड में है और एक ए बी एस में है। तो मैं लिखूँ फीस ट्रू है जहाँ पे, उनको डिलीट कर दूँ। देखिए इसने क्या किया, एक्नॉलेज ट्रू कर दिया, डिलीट काउंट हमें दो दे दिया, मतलब दोनों रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो चुके हैं। मैं आपको फाइंड करके भी दिखा देता हूँ। देखिए हमारे सिर्फ एक रिकॉर्ड बचा है, सारे रिकॉर्ड्स ने दूसरे ट्रू थे जहाँ पे डिलीट कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जहाँ पे हाउ टू डिलीट मल्टीपल डॉक्यूमेंट विदाउट यूजिंग फिल्टर। हमें बिना फिल्टर के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे पूरे डेटाबेस को ही डिलीट कर देगा, जो सॉरी कलेक्शन को डिलीट कर देगा, उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी को डिलीट कर देगा। चलिए मैं बिना फिल्टर के करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कुछ फिल्टर नहीं दिया, इसको एंटर मारा, इसने देखिए इसको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला था इसके अंदर, सिर्फ क्योंकि एक ही रिकॉर्ड बचा था हमारे पास संदीप वाला, इसने उसको डिलीट कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमारे फाइंड करके। देखिए इसने खाली कुछ भी रिटर्न नहीं दिया हमें, हमारा डेटाबेस खाली हो चुका है। आई होप सो आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमारी ऐसी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने इस प्ले लिस्ट को अगर बुक मार्क नहीं किया तो उसे बुक मार्क कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।